हेलो फ्रेंड्स, अक्सर बच्चे रात को सोते समय काफी ज्यादा आनाकानी करते हैं। कभी वो खेलने की जिद करते हैं तो कभी उन्हें सोते समय ही भूख लग जाती है, तो कभी कभी उन्हें टीवी में कार्टून देखना बहुत पसंद होता है। कई बच्चों के पापा ड्यूटी से काफी लेट घर आते हैं और बच्चों का यही मन होता है कि वो अपने पापा के साथ ही सोए। इसी वजह से भी कई बार वो लेट सोने की कोशिश करते हैं, लेकिन कई बार बच्चों को जल्दी सुलाने के चक्कर में, क्योंकि सुबह उन्हें स्कूल जाना होता है, माँ उन्हें डरावनी कहानियां सुना देती हैं, जिसकी वजह से बच्चे डर कर सो जाते हैं। क्या ऐसा करना सही है? जी नहीं, ऐसा करना सही बिल्कुल भी नहीं है। बच्चों का मन काफी ज्यादा मासूम होता है। अगर आप उसी के अंदर डर भर देंगी तो बच्चा आपसे डरने लगेगा, घर से डरने लगेगा, अंधेरे से डरने लगेगा और अकेलेपन से भी डरने लगेगा, जिसकी वजह से उसे स्टैंड करने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा। कई बार आपने अक्सर ऐसा देखा होगा कि जब भी हम अपने बच्चों को डरावनी कहानी सुनाकर सुलाते हैं तो उसकी वजह से रात को उसकी आंख एक बार जरूर खुलती है, क्योंकि जो भी बच्चे सुनते हैं वही चीज उनके माइंड में घूमती रहती है और वो उसी दुनिया में खोकर सो जाते हैं। जब भी हमारे दिमाग में कुछ चल रहा होता है तो हमारे सपने में भी अक्सर वही आता है। इसीलिए बच्चों को डरावनी कहानी सुनाकर कभी भी सुलाना नहीं चाहिए, क्योंकि आपकी नजरों में ये सही है, क्योंकि वो डर जाते हैं और आराम से सो जाते हैं, लेकिन रात में वो एक बार जरूर उठते हैं, जिसकी वजह से उन्हें डर लगता है और उनका डर बढ़ता ही चला जाता है, जिसकी वजह से कई बार बच्चे बड़े होने के बावजूद भी हॉरर मूवीज नहीं देखते हैं, डरावनी मूवीज नहीं देख पाते हैं, डरावनी कहानियां नहीं सुन पाते हैं, और अगर कोई उन्हें असल का कोई किस्सा भी सुना रहा हो तब भी वो वहां से उठकर चले जाते हैं। सो दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि आपका बच्चा नॉर्मल बच्चों की तरह बड़ा हो और उसके मन के अंदर डर ना बैठे, तो अपने बच्चों को डरावनी कहानी सुनाकर सुलाना बंद कर दीजिए। इस वीडियो को देखिए और अपने अंदर शिक्षा को जगाइए। मेरी ब्यूटी और हेल्थ से रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए यूट्यूब पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।